सीरियल ये जादू है जिनका में काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक चल रहा है, जहां व्यूवर्स बेसब्री से तारों की बारिश वाली रात का इंतजार कर रहे हैं ये देखने के लिए जीत किसकी होती है, कबीर, परवीन या रोशन की। लेकिन इससे पहले शो में मनाया जाएगा छोटू का बर्थडे। इस हैप्पी और मस्ती भरे माहौल में रोशनी पर चींटियों की एक सेना अटैक करती है। अमन रोशनी को बचा लेता है, लेकिन शॉकिंगली रोशनी अमन को ये सब जानबूझकर करने के लिए अक्यूज करती है। वो अमन से रूडली बात करती है और कहती है कि वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, जिसको सुनने के बाद अमन रोशनी को जाने के लिए कहता है। अमन ने रोशनी को इतनी आसानी से जाने कैसे दिया। दरअसल वो रोशनी नहीं, कबीर होता है, जिसने भेस बदल कर ये सारी बातें की। कबीर अपने एक्चुअल अवतार में आ जाता है और अमन के सामने एक बेहद मुश्किल टास्क रखता है, जहां उसे कई सारे रोशनियों में से असली रोशनी को पहचानना होगा। अमन अपने आप को हर्ट करता है, क्योंकि वो जानता है कि रोशनी उसे कभी दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकती, और वही होता है। असली रोशनी रिएक्ट करती है। रोशनी अमन को उसके कड़वी बातों और इंसल्टी एक्शंस के लिए फाइनली माफ कर देती है और अमन को एक्सेप्ट भी करती है। रोशन को एक साथ देख सब खुश हो जाते हैं। इतने में तारों की बारिश शुरू हो जाती है और पूरी फैमिली उसे देखकर अमेज्ड रहती है, बिना ये बात जाने कि अमन के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वेल, ये तो हुई शो की बात, लेकिन टेलीविजन दुनिया के लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज एंड गॉसिप्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।